हो जाइए तैयार, आ रहा है दुर्गा पूजा, दशहरा, विजय दशमी का आखिरी दिन का इंतजार। और आखिरी दिन का यह इंतजार है जो रावण का वध, कुंभकर्ण का वध और मेघनाथ का वध हमारे राम जी और हनुमान जी करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्लॉग में। तभी फिलहाल आपका भाई कहाँ पहुँच गया, नया ब्लॉग देने के लिए आपका भाई हमेशा तैयार रहता है। इसी के साथ हमारे पीछे देख रहे होंगे गांधी मैदान का नज़ारा आपको दिख रहा होगा, और हमारे पीछे क्या बांसवली दिखाई दे रहा होगा। तो ये सब मत समझिए कि बांसवली क्या है, ये आप लोग के लिए ही किया जा रहा है बांसवली का इंतजाम। तो बांसवली इसलिए इंतजाम किया जा रहा है कि दुर्गा पूजा आने वाला है, समय नज़दीक आ गया दुर्गा पूजा का। 15 अक्टूबर से नवरात्रि शुरू हो जाएगी और रावण कुंभकर्ण का दहन करने के लिए यहाँ जोरों शोरों से तैयारी किया जा रहा है। जो तो इस तरीका से हमारे गांधी मैदान, इसकी हाइट क्या है, इसकी लंबाई क्या है और इसका क्या खास यहाँ पे किया जा रहा है वो चीज़ हम आपको बताएंगे। बहुत ही खास और बहुत ही यूनिक किया जा रहा है, यहाँ पर रावण बनाया जा रहा है। पीछे इसका हर तरह का स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बारी बारी से यहाँ पे तीन बनाया जाए, तीन पुतला दहन करने के लिए बनाया जा रहा है। तो तीन पुतला कौन कौन सा है वो भी हम बताएंगे। और इस बार गांधी मैदान पूरा पटना एकदम भर जाएगा कचकच, इस बार दुर्गा पूजा काफ़ी खास होने वाला है। और ऐसे ही पता चल रहा है कि हर एक से एक जगह पे मतलब दुर्गा पंडाल बनाया जा रहा है, जो दुर्गा पूजा में इस बार काफ़ी खास और गांधी मैदान पूरा चकमक से भर जाएगा इस बार दशमी के दिन, क्या चीज़ा। तो सबसे पहले ये जो तीन पुतले बनाए जा रहे हैं कौन कौन से है, इसकी हाइट क्या क्या है। देखिए पहला रावण बन रहा है, रावण का हाइट है 70 फीट। रावण का हाइट है 70 फीट। कुंभकर्ण का 65 फीट। कुंभकर्ण का हाइट है 65 फीट। और मेघनाथ का है 60 फीट। मेघनाथ का है 60 फीट। ये तीनों का वध कौन करेंगे? ये तीनों का वध करेंगे राम जी करेंगे, हनुमान जी करेंगे। राम जी हनुमान जी वध करेंगे, लक्ष्मण जी तीनों का, लक्ष्मण जी भी करेंगे, तीनों आकर के वध करेंगे। इसकी जो आप बना रहे हैं कब से बना रहे हैं, काम कब से लगाए हैं? हाँ, काम हम यहाँ 23 तारीख से लगाए हैं। 23 तारीख से काम लग रहा है, तकरीबन कितना दिन हो गया अभी तक? तो 15-16 दिन ही है। 15 से 16 दिन का कार्यक्रम में इतनी जोरों शोरों से काम किया जा रहा है। अभी 10 दिन का काम और बचा हुआ है। 10 दिन का और काम बचा हुआ है, 10 दिन में पूरे तैयार कर दीजिएगा, पूरा फिनिश हो जाएगा। यहाँ से उठ करके 8 तारीख को जाएगा मैदान में, मैदान में जाएगा। हाँ, मैदान तो यहीं पे, वहाँ पे जहाँ पर रावण जलता है ना, वहाँ पे रावण जलता है, वहाँ पे संभल होगा। संभल होने के बाद क्रेन द्वारा खड़ा होता है, क्रेन द्वारा खड़ा किया जाता है। इसमें अभी पड़ाका लगना बाकी है, अभी पड़ाका नहीं लगा। पड़ाका का भी लागत बहुत है भाई, इतना है कि मत पूछे कितना है। काफ़ी इस बार का दुर्गा पूजा काफ़ी खास होने वाला है क्या जी? हाँ, इस बार बहुत अच्छा होगा और अलग टाइप पे होगा। आतिशबाजी भी हो रहा है, सुनने में आ रहा है जी कि इस बार पड़ाके का आतिशबाजी जो होगा और क्या वो क्या बाहर से आ रहा है। और क्या क्या होने वाला है यहाँ पे? जो पड़ाका छूटेगा वो अलग आकर्षित होगा। और लंका भी इस बार बहुत अच्छा बन रहा है, लंका भी पटाखा दिया जाएगा, तरह तरह के वहाँ पे सेना लोग रहेंगे कटआउट बन करके। दूसरी बात है कि रावण में इस बार जो हम लोग काम कर रहे हैं डिजिटल टाइप पे, हम लोग काम करवा रहे हैं डिजिटल टैग पे काम करवा रहे हैं। रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का वध हमारे राम जी हनुमान जी करेंगे, तो आप देखना ना भूलिएगा, इस बार का दुर्गा पूजा काफ़ी खास होने वाला है। आप इस बार थोड़ा हॉट होने वाला है, रावण की ऊँचाई काफ़ी अच्छी बनी है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल कितना ऊंचाई है? पिछले साल से ऊंचाई हम लोग 5 फीट बड़ा ले रहे हैं, मोटाई इसकी बहुत काफ़ी है। इसकी मोटाई काफ़ी बड़ी है और हाइट भी काफ़ी, 5 फीट हाइट ज़्यादा है। रावण की जो पोशाक है, रावण कुंभकर्ण मेघनाथ, इसकी पोशाक का जो कपड़ा आता है हम लोग राजस्थान से मंगवाते हैं। इसकी जो रावण कुंभकर्ण मेघनाथ का जो पोशाक है ना, कपड़ा है ना, कहाँ से मंगाते हैं चाचा? राजस्थान से। राजस्थान से कपड़ा आता है, आइए पता चल रहा है। और भी कुछ पता चल रहा है यहाँ पे? ये जो कपड़ा जो आया है राजस्थान से आया है, ये जो कपड़ा है राजस्थान से आया है। तो चलिए चाचा, थैंक यू इतनी जानकारी देने के लिए। और भी मिस्त्री लोग से हम बात करते हैं। आपको तो पता चल गया कि रावण का हाइट कितना है, 70 फीट है, और कुंभकर्ण का हाइट है 65 फीट है, और मेघनाथ का हाइट है 60 फीट है। तो ये तीनों का जो पोशाक है ना, जो कपड़ा है ना, वो राजस्थान से मंगाया जाता है।
और इस पिछले साल की अपेक्षा 5 फीट की ऊंचाई बनाई गई है। हमारे पीछे देख रहे होंगे तीनों की साइज यहाँ पे कंप्लीट कपड़ा से ढक दिया गया है और इसकी जो लेंथ है नीचे की यहाँ पे भी बना के रखा गया है। बस अब इसको तैयार किया जाएगा और कुछ दिन के बाद हमारे ग्राउंड गांधी मैदान में चला जाएगा और गांधी मैदान में जाते के साथ क्रेन के द्वारा इसको खड़ा किया जाएगा और खड़ा किया जाएगा। इसको वध करने के लिए राम हनुमान जी यहाँ पे आएंगे और वध करेंगे। पूरा पटना झूम उठेगा, पूरा पटना भीड़ लग जाएगा भाई। ये गांधी मैदान इस बार दुर्गा पूजा विजयदशमी के दिन इंतजार है आप लोग का। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे काम किया जा रहा है, और भी हम आगे दिखाएंगे। देखिए एकदम पूरी तरीके से कपड़ा नगनमन ढक दिया गया है। इसके जो पोशाक है राजस्थान से आए हैं, तो भैया जानना चाहते हैं कितना मेहनत किए हैं आप? बहुत मेहनत कर रहे हैं भैया, बहुत मेहनत कर। तकरीबन कितना दिन से मेहनत कर रहे हैं? 21 तारीख से आए हुए हैं। 21 तारीख से आए हो, कहाँ से आए हैं आप? हम गया से आए हुए हैं। गया से आए हैं जी। और पूरा एकदम बना के कंप्लीट कर दिए हैं? कंप्लीट कर दिए हैं। अभी इसमें क्या क्या काम बचा हुआ है? अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी जूते में काम बाकी है, अभी मोड़ी में पेंटिंग करना है। देखिए किस तरीका से यहाँ पे मेहनत किया जा रहा है भाई। ये देखिए चाचा बना रहे हैं इसका एकदम साटने के लिए, आओ चिपका रहे हैं, आए देख लीजिए 70 फीट हाइट वाले राम। 70 इसकी मुड़ी की बात करें तो देखिए रावण कुंभकर्ण, ये है कुंभकर्ण, ये है रावण, और आगे मेघनाथ का देखिए ये दर्शन बनाया गया है। इसमें अभी कपड़ा नहीं लगा है। और चाचा बना रहे हैं सबका मुकुट, और छत्र में जितने भी लोग हैं सबका दहन हो जाएगा भाई विजयदशमी के दिन। तो इंतजार की घड़ी हो गई है समाप्त, वो समय आ गया है दुर्गा पूजा का और विजयदशमी का भी। तो एक इस बार का रावण दहन ना बहुत ही खास और यूनिक होने जा रहा है, तो इस बार का रावण दहन देखना ना भूलिएगा और ज़रूर रावण दहन देखिएगा। सब तैयारी हो चुकी है, बस आपकी तैयारी है, आप अपनी तैयारी कर लीजिए जोरों शोरों से। तो इंतज़ार की घड़ी हो गई समाप्त, दुर्गा पूजा विजयदशमी के दिन आ जाइए गांधी मैदान। इंतज़ार किस बात का, आइए विजयदशमी के दिन इंतज़ार रहेगा आपका, हम भी मिलेंगे आपसे। इसी के साथ हम ब्लॉग को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।